राजस्थान की राजनीति में अब दिन प्रतिदिन नया मोड़ नजर आ रहा है। चुनाव नजदीक आ रहे हैं। लोकसभा में अब उम्मीदवारों के चुनावी समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे राजस्थान की वो सीट जो भाजपा का गढ़ है, हालांकि यहाँ की जनता कई बार बीजेपी को भी झटका देने में पीछे नहीं रही, और वो सीट है राजस्थान की पाली लोकसभा सीट। नमस्कार, मैं दीपेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज की खास पेशकश चुनावी नगरी। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे 4 जून को सबके सामने होंगे। पाली लोकसभा सीट की बात करें तो इस सीट पर बीजेपी ने पीपी चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने संगीता बेनीवाल को उम्मीदवार घोषित किया है। वर्तमान में इस सीट पर पीपी चौधरी सांसद है। राजस्थान की पाली लोकसभा सीट को बीजेपी का गढ़ कह सकते हैं, हालांकि यहां की जनता कई बार बीजेपी को झटका देने में पीछे नहीं रही। 1999 और 2004 के चुनाव में यहां से बीजेपी के पुष्प जैन लगातार जीते। 2009 में यहां की जनता ने झटका दिया और कांग्रेस के बद्रीराम जाखड़ को चुन लिया। हालांकि फिर 2014 और 2019 में बीजेपी के पीपी चौधरी यहां से सांसद बने। वैसे भी इस सीट पर लोकसभा सीट पर 1980 के बाद 1984 में दोबारा जीत दर्ज की। हालांकि उसके बाद बीजेपी ने इस सीट पर कई बार रिपीट किया, जबकि कांग्रेस ने एकाध बार ही चुना गया। अगर बात करें उम्मीदवारों के राजनीतिक कैरियर की तो पीपी चौधरी राजस्थान से 2 बार सांसद रह चुके हैं। बीजेपी ने एक बार फिर उन पर विश्वास जताया है। 2014 में बीजेपी ने उनको लोकसभा प्रत्याशी बनाया और पहली बार 2014 में उन्होंने चुनाव लड़ा और उसमें जीत दर्ज की। पीपी चौधरी का जन्म जोधपुर के एक किसान परिवार में हुआ था। कांग्रेस के बद्रीराम जाखड़ की बेटी मुन्नी देवी गोदारा का मुकाबला 2014 के चुनाव में बीजेपी के पीपी चौधरी के साथ हुआ। तो बात करें कांग्रेस की तो राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल 2 बार रही। पाली सीट पर उनको कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित किया। कांग्रेस ने इस सीट पर संगीता बेनीवाल को प्रत्याशी घोषित कर सभी को चौंका दिया। संगीता बेनीवाल जोधपुर देहात महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष भी रह चुकी है। जोधपुर से पार्षद का चुनाव लड़ चुकी है संगीता बेनीवाल। जाति समीकरण की बात करें तो इस सीट पर लोकसभा में सिरवी, बिश्नोई, राजपूत, जाट और अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है। पाली लोकसभा सीट की बात करें तो इसमें कुल 8 विधानसभा आती है। इनमें जोधपुर की ओसिया, भोपालगढ़ और बिलाड़ा, जबकि पाली की पाली लोकसभा विधानसभा सोजत, सुमेरपुर, मारवाड़ जंक्शन और बाली शामिल है। वर्तमान में 6 सीटों पर भाजपा का कब्जा है, वहीं 2 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। पाली लोकसभा सीट पर पुरुष मतदाताओं की संख्या 11,27,000 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 10,33,000 है। इस सीट पर करीब 4,29,000 एससी मतदाता है, तो वहीं करीब 1,33,000 एसटी मतदाता है। 2009 में कांग्रेस के बद्रीराम जाखड़ ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। तो यह थे पाली लोकसभा सीट के चुनावी समीकरण, जहां पर 2 बार बीजेपी ने पीपी चौधरी को सांसद बनाया है और इस बार फिर पीपी चौधरी पर बीजेपी ने विश्वास जताया है, तो वहीं कांग्रेस ने संगीता बेनीवाल को टिकट दिया है। ऐसे में अब देखना होगा कि पीपी चौधरी को संगीता बेनीवाल क्या चुनौती दे पाती है। हालांकि ये नतीजे आने के बाद ही पता लगेगा और स्थिति साफ हो पाएगी। अगली कड़ी में ऐसी एक और हम लोकसभा सीट की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।